आप देख रहे हैं TNB। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूर्वी यूरोप के इस युद्धग्रस्त देश के खार्कीव शहर में मंगलवार सुबह गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को दावा किया कि सभी भारतीय नागरिकों ने कीव छोड़ दिया है। बता दें कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन में जारी युद्ध में ये किसी भारतीय व्यक्ति की मौत का पहला मामला है। गोलीबारी में मारा गया भारतीय यूक्रेन में मेडिकल का विद्यार्थी था। भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के हमले में मारे जाने के बाद उनका परिवार बेहद सदमे में है। वहीं देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर बनने का सपना लेकर MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन के नवीन के पिता ने कहा कि PUC में उनके बेटे ने 97% अंक प्राप्त किए थे, इसके बावजूद उसे मेडिकल की एक सीट हासिल नहीं हुई। Your media informed to our senior officials, embassy, prime minister, to bring back my son's dead body. Okay. And also, I request to all these political leaders, kindly look into the matter and see that donation, it is very bad. And all these intelligent students, they are going to study in abroad. They think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education, better than this, they are getting very good education in abroad. And all this practical equipment also very standard. Here in India, only that cost-wise, they are allotting the seat. Because my son, he has got 97% in the PUC. Okay, thank you, sir. साथ ही इस घटना के बाद PM मोदी ने भी नवीन के पिता से फोन कर बातचीत की और पीड़ित परिवार को संतावनाएं दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जारी युद्ध और वहां से भारतीयों विशेषकर छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के मुद्दे पर उनकी यह चौथी बैठक है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामक सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने पूर्वी यूरोपीय देश में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए वायु सेना को मोर्चे पर जुट जाने को कहा है। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संवाददाताओं से कहा कि खार्कीव में मारे गए भारतीय छात्र के शव को शहर में एक मेडिकल विश्वविद्यालय के शव गृह में लाया गया है। विदेश सचिव ने कहा कि यूक्रेन में खार्कीव, सुमी और अन्य संघर्ष क्षेत्रों की स्थिति को लेकर बहुत ही ज्यादा वो सभी चिंतित है। साथ ही बताया कि अगले 3 दिनों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 26 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।